हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके पार्टनर, ठीक है, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आज सुबह सुबह क्या कभी भी ये रीडिंग देख रहे हैं, तो हमारे रीडिंग का टॉपिक है हाउ दे फील अबाउट यू। आपके लिए वो क्या कैसा फील करते हैं, ये हमारा रीडिंग का टॉपिक है। आप जिस भी पर्सन के साथ कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, लेकिन आपको जानना है कि सामने वाला पर्सन जो है वो आपको लेकर के क्या फील करता है। हो सकता है कि आपका क्रश हो और आपके मन में उसके लिए ना बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। आपकी भी एनर्जी को चेक करेंगे हम, लेकिन आपके पार्टनर जिनके बारे में भी सोच करके आपने ये रीडिंग को देखा है, आपके सामने ये रीडिंग आई है, तो एकदम आपके मन में जो क्वेश्चन चल रहा है ना उसका जवाब आपको इस रीडिंग में मिलेगा। तो आज की इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं। ठीक है, सो कार्ड्स निकालते हैं। जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उनका नाम लेना स्टार्ट कर दो। आप उनका नाम लेना एकदम स्टार्ट करो। आप अपनी एनर्जी को मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और बेल आइकन को ऑन करने के बाद आप क्या करेंगे, इस वीडियो को लाइक भी करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। द रेनबो रिवाइवर की एनर्जी आई है, फर्स्ट कार्ड। द स्केयर्ड वुमेन, इंटीमेसी, कमिटमेंट। आपके पार्टनर के अंदर ना जैसी फीलिंग्स हैं, सुनना ध्यान से, आपके पार्टनर के अंदर अलग सी फीलिंग्स हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन जब भी आपको देखते हैं ना, आपके बारे में सोचते हैं, आपको लेकर के जब भी ये पर्सन फील करते हैं तो इनके दिल में ना अलग सी फीलिंग्स आती हैं। ठीक है, एकदम अलग, टोटली अलग सी फीलिंग्स, टोटली अलग से इमोशंस आते हैं इस पर्सन के दिल में, इस पर्सन के मन में। ठीक है, ये पर्सन का जो मन है ना, ये पर्सन आपको एक बच्चे के समान देखते हैं। पता है आपको, बच्चा जो कि सॉफ्ट हार्टेड होता है, उसके दिल में मस्ती होती है, इनोसेंट होता है। आपके पार्टनर को ये फील होता है कि वाह वाह, आपको हो सकता है कि पर्सन बाबू कहते हो या मेरा बच्चा कहते हो, बेबी है ना, ये पर्सन की एनर्जी बता रही है मुझे। आप उनको बहुत इनोसेंट लगते हो, बहुत प्यारे लगते हो। ऐसा लगता है ना कि जब भी ये पर्सन आपको देखते हैं ना तो इनको लगता है कि अरे ये मेरा बच्चा है, बच्चा। ये वाली फीलिंग जो है ना ये पर्सन के अंदर है, ये पर्सन फील करते हैं आपके लिए। ऐसी फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है ना कि सच में, ओ माय गॉड, पालिया है तेरा प्यार अब नहीं खोना, है ना। तो यही एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर के अंदर वो फीलिंग्स हैं, आपके पार्टनर के अंदर वो इमोशंस हैं। ये पर्सन इमोशनल होकर के सोचते हैं लेकिन आपसे बताते नहीं हैं। ये पर्सन आपके लिए बहुत फील करते हैं लेकिन ये पर्सन आपसे नहीं बताते हैं। पता है क्यों नहीं बताते हैं? इस डर से कि कहीं आप इनको गलत समझ लोगे, इस डर से कि ये पर्सन की अगर ट्रू फीलिंग्स आप जान गए ना, फिर तो बवाल ही बवाल है। आप कहीं इनको गलत समझ लोगे, कहीं इनकी फीलिंग्स को गलत समझ लोगे। ये पर्सन फील अच्छा करते हैं
फील पॉजिटिव करते हैं, बट प्रॉब्लम ये है ना कि ये पर्सन ना आपको बता नहीं सकते हैं हाउ मच दे लव यू या हाउ मच ही लव यू सी लव यू। ये जो पर्सन हैं आपके, जिनके साथ भी आपका कनेक्शन है ना, देखो ये पर्सन पॉजिटिव फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, आपको एक मैच्योर पर्सन, इंडिपेंडेंट पर्सन देखते हैं, आपकी फैमिली में भी जो है ना आपको भर भर के प्यार मिलता है, आपकी फैमिली में सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। इस पर्सन को लगता है ना कि आप वो लकी पर्सन हो जिसके पास उसकी फैमिली भी है, प्यार भी है ना, और यहाँ पे वो अटैचमेंट भी है, तो आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये पर्सन की फीलिंग्स ट्रू हैं, जेन्युइन हैं, ये पर्सन फेक लव नहीं करते हैं यहाँ पे। ट्रू वाली फीलिंग्स, ट्रू वाले इमोशंस मुझे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन आप में एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी भी देखते हैं, एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन फेमिनाइन की भी एनर्जी आपके पार्टनर देखते हैं, जिसे सब कुछ आता है, सब कुछ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अंदर से, दिखने में बच्चा है ठीक है, बट है बहुत स्ट्रॉन्ग, देख रहे हो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ऑरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो आप जिसको कोई हिला नहीं सकता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन मैंने कहा, देखो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान है, आपके पार्टनर को लगता है, पर्सन को फील होता है, कहीं ना कहीं आपको देख के ना दिल को राहत मिलती है इनके। कितना भी उदास हो, कितना भी परेशान हो, अकेलापन फील हो रहा हो, अगर ये पर्सन आपसे दो टुम बातें कर लेना तो बहुत अच्छा इनका दिन जाता है, बहुत ही अच्छा दिन जाता है। ये पर्सन को लगता है ना कि बस मेरी सारी खामोशी ख़त्म, पॉजिटिविटी अब स्टार्ट। आपके पार्टनर हैं ही ऐसे, पॉजिटिव से, इमोशनल से, आपके लिए बात करने वाले, ऐसे हैं आपके पार्टनर। बट मुझे लग रहा है ना कि ये पर्सन ये भी फील करते हैं आपके लिए कि शायद ना आप थोड़े से परेशान हो, या आपकी ज़िंदगी में कोई और भी है, कोई और पर्सन है शायद जिससे आप प्यार करते हो, या कोई और है जिसका आपको इंतज़ार है, किसी और को आपने एंट्री दे दी है अपनी लाइफ में। ये पर्सन को डाउट है आपके ऊपर, ये पर्सन को डाउट है कि भाई आप जो है ना, हो सकता है कि किसी के साथ रिलेशनशिप में होगे, हो सकता है कि किसी के साथ काफ़ी अच्छी खासी जो है ना बातें होती हों आपकी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि यस, आपके रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर है ना, आपको लेकर के काफ़ी सोचते हैं, आपको लेकर के काफ़ी फील करते हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पर्सन थोड़े से आपको लेकर के परेशान भी रहते हैं, क्योंकि इस पर्सन को ना क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। ये पर्सन ने आपसे बात करके ये फील किया है ना कि थोड़ा सा बचपना है आपके अंदर, यानी कि आप ना किसी के दुख को देख करके ना उसकी फटाक से हेल्प कर देते हो, एकदम जल्दी से हेल्प कर देते हो, आपको लगता है कि नहीं किसी का दुख जो है ना आपसे बर्दाश्त नहीं होगा ठीक है, तो आप बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो, इंटीमेसी की एनर्जी। देखो इतना मासूम सा चेहरा, ऊपर से ये बला की खूबसूरती आपके पार्टनर को ना आपके बारे में सोचने पे मजबूर कर देती है, मजबूर हो जाते हैं आपके पार्टनर। ये पार्टनर के अंदर दिख रहा है ना कि ये पर्सन ना मजबूर हो जाते हैं, और ये पर्सन को लगता है कि सच में यार इसके साथ तो कनेक्शन बनना चाहिए, यानी कि आपके साथ एक सेक्सुअल कनेक्शन भी फील होता है आपके पार्टनर को, फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की आपके तरफ, फिजिकल रिलेशन बनाने की, फिजिकली इंटीमेट होना चाहते हैं आपके पार्टनर एज अ लवर, या कहे तो ऐसा लगता है कि बड़ी जल्दी होना चाहते हैं आपके साथ ना। इनका एक ऐसा लगता है जैसे कि आपसे अगर ये पर्सन कहेंगे ऐसा कुछ तो हो सकता है कि आप मान जाओ उनकी बातों को, क्योंकि आपने भी फील किया है कहीं ना कहीं, आपने भी ऐसा फील किया है कि आप भी इस पर्सन को लेकर के ना फील ज़्यादा करते हो, आप भी इस पर्सन को लेकर के बहुत स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग्स रखते हो, इस पर्सन ने ऑब्जर्व किया है। ये पर्सन का दिख रहा है जैसे कि पर्सन जो है ना बातों ही बातों में आपसे जानना चाहते हैं कि भाई आपका इंटरेस्ट है क्या इनके साथ,
ठीक है, जल्दी से जल्दी ये पर्सन चाहते हैं कि क्लियर हो जाए, क्योंकि इस पर्सन के दिल में मोहब्बत है, प्यार है। ये पर्सन ज़्यादा सोचते हुए हैं आपको लेकर के, एक्शन भी लेने के लिए रेडी हैं, जल्दी से चाहते हैं कि भाई आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो जिससे आप दोनों बहुत करीब आ जाएं, आप दोनों के बीच में ये सीन बने। आपके पार्टनर की एनर्जी बता रही है, ये मेरा कहना नहीं है, आपके पार्टनर का कहना है, ठीक है। चलिए कुछ और देखते हैं, कमिटमेंट की एनर्जी क्यों है डिवाइन, कमिटमेंट की एनर्जी क्यों है। एट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, आपसे ये बड़ी जल्दी बात करने वाले हैं आपके पार्टनर, ठीक है। जो इनको ये फील होता है ना, उसके बारे में आपके पार्टनर आपसे बात करने वाले हैं। कमिटमेंट, शादी की कमिटमेंट, वाओ, आफ्टर मैरिज ये पर्सन आपके साथ ये वाला सीन चाहते हैं, बिफोर मैरिज नो, नो पॉसिबिलिटीज। ये पर्सन को आना है, ये पर्सन को शादी के बाद जितना भी सपना है ना, वो सपना कंप्लीट करना है। जितनी भी एक होता ना कि यार मेरे दिल में मोहब्बत है, तो ऐसी मोहब्बत है, ऐसी मोहब्बत है कि तुम समझ ही ना पाओगे। आपके पार्टनर के मन में ऐसी फीलिंग्स हैं, ऐसे इमोशंस हैं आपके पार्टनर के मन में। आपके पार्टनर का दिल दिमाग काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करता है कि भाई सच में ऐसा है क्या, सच में वैसा है क्या, सच में ये सारी चीज़ें जो है ना करने को मिलती हैं क्या। तो बहुत कुछ जो है ना है आपके पार्टनर के मन में, एंड मुझे दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर का जो मन है काफ़ी ज़्यादा जो है ना तकलीफ़ में दिखाई दे रहा है। तकलीफ़ में इसलिए है क्योंकि ये पर्सन शायद आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही बात हो सकता है कि करे, क्योंकि क्लैरिटी मुझे नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर के दिल में जो है ना ये कमिटमेंट तो देंगे आपको, कमिटमेंट देंगे आपको, ठीक है। जिस भी पर्सन को लेकर के आप सोच रहे हो ना, काफ़ी हैंडसम है, काफ़ी स्मार्ट है, काफ़ी इंटेलिजेंट भी है, ठीक है। तो थोड़ा सा इंटेलिजेंट लोगों से बच के रहना चाहिए, ज़्यादा ही लोग जो होते हैं ना ओवर स्मार्ट बनने वाला, उनसे बच के रहना चाहिए, ठीक है गाइस। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे थे ना, आपको लेकर के उनकी फीलिंग्स ऐसी हैं, ठीक। बाकी हम लोग जो है ना थोड़ा डिटेल में रीडिंग करने वाले हैं, लेकिन हम अलग से रीडिंग करेंगे। हो सकता है कि वो आपको दिन की रीडिंग जो 12:30 बजे आएगी इसके बाद, उसमें आपको देखने को मिल जाए। उस रीडिंग में आपको काफ़ी चीज़ें कंफर्म पता चलेंगी, आपको काफ़ी चीज़ों का एहसास हो जाएगा, ठीक है। और काफ़ी आप अपने पार्टनर के बारे में जानेंगे डिटेल में, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं वो रीडिंग देखना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है दिल से थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए फिर मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।